नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल स्काई और मैं हूं आपके साथ खुशबू। आयुर्वेद के अनुसार सभी रोग वात पित्त और कफ से असंतुलन के कारण होती है और खुजली वात और कफ दोष के कारण होती है। तो आज हम आपको खुजली ठीक करने के लिए कुछ असरदार घरेलू उपाय बताएंगे जिनसे आप अपनी खुजली से छुटकारा पा सकते हैं। कई बार त्वचा पर एलर्जी होने से खुजली हो जाती है। इस स्थिति में सिर्फ खुजलाने की इच्छा होती है। इसे एक प्रकार का चर्म रोग भी कह सकते हैं। खुजली शरीर के किसी एक हिस्से और पूरे शरीर या फिर शरीर के अलग अलग हिस्सों में भी हो सकती है। आमतौर पर खुजली की समस्या रूखी त्वचा में अधिक देखी जाती है। इसके अलावा गर्भावस्था में भी हो सकती है। खुजली दो प्रकार की होती है, पहली बिना दानों वाली खुजली, दूसरी दानों वाली खुजली, जिसमें किसी संक्रमण के होने का खतरा ज्यादा होता है। खुजली की बीमारी होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे वायु प्रदूषण एवं धूल मिट्टी के संपर्क में आने के कारण खुजली हो सकती है। वहीं किसी दवा के साइड इफेक्ट के कारण भी खुजली हो सकती है। मौसम में बदलाव के कारण किसी तरह के कीड़े का काटना या फिर ठंडे मौसम में त्वचा की नमी सूखी हो जाती है, इन सब कारणों से आपको खुजली की समस्या हो सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं खुजली के कारण होने वाले त्वचा रोग के बारे में, यानी कि खुजली के कारण आपके शरीर में क्या क्या बीमारी हो सकती हैं। पहली डर्मेटाइटिस यानी कि त्वचा की सूजन की समस्या। दूसरी एक्जिमा यानी कि ये त्वचा की एक गंभीर बीमारी है, इसमें त्वचा पर खुजली और लाल चकत्ते हो जाते हैं। तीसरी सोराइसिस, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इस कारण भी खुजली हो सकती है। चौथी जॉन्डिस, इसमें भी खुजली की समस्या देखी जा सकती है। और पांचवी थायरॉइडिज्म, इसमें भी खुजली की समस्या देखी जाती है। थायरॉइड ग्रंथि के विकारों के कारण भी खुजली होती है। तो ये थी पांच बीमारियां जो खुजली के कारण हो सकती हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।